पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन रविवार को सीतामंगल भवन में आयोजित किया गया। यहां मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ के पेंशनर अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पेंशनरों की समस्याओं, शासन स्तर पर लंबित मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिलाध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार ने कहा, पिछले 15 सालों से पेंशनर समय समय पर मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। प्रमुख मांगों में छठे वेतनमान, एरियर भुगतान, महंगाई भत्ता केंद्र के समान 31% देने की मांग की है। प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने कहा, सम्मेलन में वरिष्ठ सदस्यों का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। इस उद्देश्य से मतलब किया है कि हमारी पेंशनों की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे आपके हमें DA नहीं मिल रहा, आपके मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार में धारा 49 का भी झगड़ा चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि पेंशनों के हित के लिए कि धारा 49 को हटाया जाए। दूसरी हमारी मांगें जो हैं इसमें दवाइयों की भी, हमारे पेंशनर को आज तक मतलब दवाइयाँ बढ़ा ना तो आपके इसमें जिले में मिलती हैं ना संभाग में मिलती है और मल्टी तो बहुत ज़्यादा कम है। इस उद्देश्य से हमारा जो पेंशनर है इस सरकार से बहुत वर्षों से मांग भी हम कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। हमारा पूरा मध्य प्रदेश के अंदर का जो है इसी प्रकार के आपके प्रांतीय सम्मेलन और जिला सम्मेलन और संभागीय सम्मेलन हम लोग करते हुए जा रहे हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम राजकुमार भैया, प्रांत अध्यक्ष पेंशन एसोसिएशन। पीछे यह सोच है कि हमारे जो पेंशनर साथी हैं उनको बहुत सी परेशानी होती है। कई विभागों में आदमी रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन नहीं मिल पाती, उसका परिवार का खर्चा नहीं चल पाता। कभी हमें मेडिकल सुविधाएं पहले जो मिलती थी वो मेडिकल सुविधाएं भी हमसे छीन ली गई है। और शासन प्रशासन के द्वारा आज जो हमारी DA रुका हुआ है 17 महीने का, 17% दे रहे हैं, हमको 34% चाहिए। अभी केंद्र ने 5% और बढ़ा दिया तो ये हो गया 39%, परंतु हम लोग अभी 17% पे ही अटके हुए। वेतन छठवां वेतन और सातवां वेतन के बाद में हमारा जो DA है वो उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। साथ ही जब मध्य प्रदेश शासन और छत्तीसगढ़ शासन दोनों अलग अलग हुए और उसको 20-22 साल हो गए, परंतु अभी तक कोई धारा 49 है उसी को आधार मानते हुए 74% मध्य प्रदेश शासन से और 34% छत्तीसगढ़ शासन पैसा मिलाता है तब जाके पेंशनर को पेंशन मिलती है। हमारी मांग है कि इस धारा को ख़त्म किया जाए और जो मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं उनको मध्य प्रदेश शासन पेंशन दे और जो छत्तीसगढ़ शासन में पेंशनर हैं उसको छत्तीसगढ़ सरकार दे। आज धारा 49 को लेके छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। एक सरकार कहती कि मैं हम देने को तैयार है तो दूसरी सरकार कहती है हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। एक तरफ तो आर्थिक स्थिति का बहाना करते हैं और दूसरी तरफ नेता लोग अपनी पसंद की पेंशन तैयार करते हैं। आज जहाँ 50,000 या 50 लाख रुपया साल में किसी विधायक को और सांसद को 1 करोड़ मिलता था, वो सांसद को 5 करोड़ हो गया और विधायक को 2 करोड़ हो गया। और एक बार विधायक बना तो उसको 1 पेंशन मिलती है, वो दूसरी बार विधायक बन गया तो उसको 2 पेंशन हो गई, तीसरी बार बना तो 3 हो गई, वो मंत्री बन गया तो 4th पेंशन हो गई, राज्यसभा में गया तो 5th पेंशन हो गई, राष्ट्रपति बन गया तो 8th पेंशन हो गई। तो उनकी पेंशन पे पेंशन बढ़ती जाती, तब आर्थिक वजन मध्य प्रदेश शासन या केंद्र सरकार में नहीं आता। परंतु जो कर्मचारी 40 साल तक अपनी सेवाएं देता है, परिवार से दूर रहता है और सरकार के विकास के कार्यों में काम करता है, उस कर्मचारी के लिए शासन की तिजोरी में पैसा नहीं है। ये बहाना करके हम लोग परेशान हैं और इसी उद्देश्य को लेकर सम्मान तो इसलिए कि 60 साल तक हमने नौकरी की है, देश और प्रदेश और समाज की सेवा की है, परंतु आज हम सेवानिवृत्त होने के बाद में हमारा पड़ोसी भी हमको पहचानने से मना करता है कि ये किस विभाग में नौकरी करता था, किस विभाग में नहीं करता था। हमारी एकता बनी रहे, हमारी मांग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।